तो आप देख सकते हो गाइस, वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज। देखो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। आप देख सकते हो फ़ोन कितना अलग अलग आ रहा है। और अगर आप चाहो यहाँ सब साइज़ चेंज कर सकते हो, तो फ़ोन साइज़ करते हैं गाइस। मैंने सपोज कीजिए 40 पिक्सल। ये देखो गाइस, वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में फ़ोन में फ़ोन फैमिली और फ़ोन स्टाइल क्या होता है, फ़ोन साइज़ क्या होता है, फ़ोन गूगल के फ़ोन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, फ़ोन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज में सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक ही लाइन में लिख देते हैं और बहुत ईजी होता है कोड ज़्यादा जो इतनी सारी लाइनों में लिखनी होती है प्रॉपर्टीज़ वो हम शॉर्ट हैंड में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप जो फ़ोन है उसकी कैसे वैल्यू दे सकते हैं जो वो रेस्पॉन्सिव रहे हैं। अगर आप 40 पिक्सल लेंगे तो वो चाहे आप लैपटॉप में ले जाओ चाहे किसी और साइज़ में ले जाओ टैबलेट में, तो वो जो टेक्स्ट होगा वो अपना साइज उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि टेक्स्ट किसी में बड़ा आ रहा है किसी में वो साइड में चला गया, वो अपनी जगह पे रहेगा और साइज कम बड़ा होता रहेगा विथ के हिसाब से। जितनी छोटी और कम करोगे विथ अपने ब्राउजर की 5%, तो ये फ़ोन साइज कितना गिरेगा, 5% ऑफ टोटल विथ। तो देखो ना आ रहा है। अब अगर मैं रिसाइज करूँगा देखना, देखो इतना है ठीक है। तो अब अगर मैं कम करता हूँ देखना अपने सामने, ये देखो एडजस्ट हो रहा है ना डिवाइस के साथ, देखो साइज कम हो रहा है। तो इस बीच पे गाइस वो चीज़ चलती है कि वो ब्राउजर की विथ के बीच पे रहा व्यू पोर्ट विथ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। तो इससे पहले हम 6 पार्ट डाल चुके हैं, तो जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये हमारा सीरीज का पार्ट नंबर 5 और ये है 6। तो पहले शुरू के 6 पार्ट जरूर देख लीजिए, तभी आपको गाइस ये वीडियो क्लियर हो पाएगी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज के फोन्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में गाइस सीरीज के फोन्स में फोन फैमिली और फ़ोन स्टाइल क्या होता है, फ़ोन साइज़ क्या होता है, फ़ोन गूगल के फ़ोन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, फ़ोन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ में सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक ही लाइन में लिख देते हैं और बहुत ईजी होता है कोड ज़्यादा जो इतनी सारी लाइनों में लिखनी होती है प्रॉपर्टीज़ वो हम शॉर्ट हैंड में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप जो फ़ोन है उसकी कैसे वैल्यू दे सकते हैं जो वो रेस्पॉन्सिव रहे हैं। अगर आप 40 पिक्सल लेंगे तो वो चाहे आप लैपटॉप में ले जाओ चाहे किसी और साइज़ में ले जाओ टैबलेट में, तो वो जो टेक्स्ट होगा वो अपना साइज उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि टेक्स्ट किसी में बड़ा आ रहा है किसी में वो साइड में चला गया, वो अपनी जगह पे रहेगा और साइज़ कम बड़ा होता रहेगा विथ के हिसाब से। जितनी छोटी और कम करोगे विथ अपने ब्राउजर की। चलिए हम आज की इस वीडियो में जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस सीएसएस के फॉन्ट्स की। तो सीएसएस फॉन्ट्स प्रॉपर्टी डिफाइन द फॉन्ट फैमिली बोल्डनेस साइज एंड स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट। तो सीएसएस की जो फॉन्ट प्रॉपर्टी वो डिफाइन करती है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली क्या, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये देख रहे हो, ये इसकी और इसकी फॉन्ट फैमिली मिलती सी है। और देखो नीचे वाले का देख रहे हो कैसे लिखा हुआ है अजीब सा अलग सा, तो इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है और इनकी सेम है। तो वो ये चीज़ होती थी इस फॉन्ट फैमिली। तो मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिखाई सब समझ जाओगे। तो जो दिख रहा है फॉन्ट जो जिस तरह से लिखा हुआ है उसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। फिर है बोल्डनेस कि वो बोल्ड हुआ है ना, वो डार्क दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो कि ये देखो ये दिख रहा है डार्क सीएसएस टेक्स्ट ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि डार्क दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो वो बोल्ड वाली चीज़ में आ जाएगा इसके। तो बोल्डनेस तो ऐसे हम टेक्स्ट लिखेंगे वेबसाइट पर उसके लिए। और साइज़ तो आप फ़ोन का साइज़ देख सकते हो 14 पिक्सल 16 पिक्सल 18 पिक्सल, तो ये भी हम दे सकते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से। और साथ ही साथ गाइस हम स्टाइल भी दे सकते हैं टेक्स्ट का ठीक है। हम टेक्स्ट का स्टाइल दे सकते हैं यानी उस पर हम कोई भी स्टाइलिंग लगा सकते हैं। तो वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं अच्छे से। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं सेरिफ और सैन सेरिफ फॉन्ट्स का। तो नॉर्मली यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं, सैन सेरिफ फॉन्ट, सेरिफ और रेड सेरिफ। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सैन सेरिफ और सेरिफ और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो सैन सेरिफ ऐसा है सिंपल सा जो आपको दिख रहा है, और सेरिफ में क्या है कि साइड में ऐसे विथ में कोने से निकले होते हैं। और रेड सेरिफ में क्या है उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर रेड भी है जो
यहाँ पे ये सारी एजेस हैं, तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सेरिफ, सैंस सेरिफ और सेरिफ इनके बीच में। सीसेस की फॉन्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली पर हम आए थे। सीसेस की इन सीसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉन्ट फैमिली, एक तो है जेनरिक फैमिली, एक है फॉन्ट फैमिली। तो हम फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जेनरिक फैमिली आप एक तरह से समझ सकते हो, इससे प्री डिफाइन होती नहीं, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो। तो नॉर्मल या जो मेन चली आ गई तो क्या फैमिली, ग्रुप ऑफ फॉन्ट फैमिली विद सिमिलर लुक लाइक सेरिफ और मोनोस्पेस। सो गाइस मैं यहाँ पर आया था, तो सेरिफ या मोनोस्पेस, देखो सेरिफ ये रहा, तो इसके अंदर कौन कौन से थे और साथ साथ देखो मोनोस्पेस कैरेक्टर्स हैव सेम विथ। और सेरिफ में भी देखो कैसा दिख रहा, तो ये तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये चीज़ आगे जो भी चीज़ आएंगी। सेकेंड नंबर पे है फॉन्ट फैमिली, तो स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली लाइक टाइम्स न्यू रोमन और एज। तो टाइम्स न्यू रोमन देखो ये वाली है, ये वाली। तो अभी जब लिखूंगा मैं अभी फॉन्ट फैमिली अप्लाई करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो बस जस्ट लुक चेंज आएगा। तो फॉन्ट फैमिली और जेनरिक फैमिली होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी पे। तो फॉन्ट फैमिली ऑफ ए टेक्स्ट इज सेट विद द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। तो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं टेक्स्ट पे फॉन्ट फैमिली सेट करने के लिए। तो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज होती है द फॉन्ट, इन फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी वी राइट मोर देन वन फॉन्ट फैमिली। हम एक से ज़्यादा फॉन्ट फैमिली लिखते हैं, क्यों? सो दैट अगर कोई सी फॉन्ट फैमिली ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा ब्राउजर, वो उससे नेक्स्ट फॉन्ट फैमिली पर अप्लाई कर देगा। और अगर वो भी अप्लाई नहीं हुई तो उससे नेक्स्ट वाले कर देगा, उससे नहीं तो उसके एंड वाले कर देगा। और एंड में हमें जेनरिक वाले दे देते हैं, शुरू में सारी फॉन्ट फैमिली देते हैं। मतलब तो स्टार्ट विद द फॉन्ट यू वांट एंड एंड विद अ जेनरिक फैमिली टू लेट द ब्राउजर पिक ए सिमिलर फॉन्ट, उसके आसपास का फॉन्ट भी देखिए बता दें, सारे सिमिलर से दिखते हैं, सिमिलर फॉन्ट इन द जेनरिक फैमिली इफ नो अदर फॉन्ट्स आर अवेलेबल। तो हम नोट पर आते हैं, इफ द नेम ऑफ फॉन्ट फैमिली, अगर किसी भी फॉन्ट फैमिली का नेम एक वर्ड से ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हो टाइम्स न्यू रोमन, तो इट मस्ट बी इन कोटेशन मार्क्स। तो जैसे आप देख सकते हैं जब भी फॉन्ट फैमिली लिखते हो ना गाइस, तो आप कभी भी से मिला के लिखते हो, आप से डबल कोट्स में लिखते हो, बीच में गैप तो होता है टाइम्स न्यू रोमन में, तो क्योंकि ये एक से ज़्यादा वर्ड है तो ये डबल कोट्स में आएगा। तो आप कहेंगे सैंस सेरिफ भी आएगा डबल कोट्स में, जी नहीं, सैंस सेरिफ डबल कोट्स में नहीं आएगा, वो एक वर्ड नहीं, वो भी आगे आएगा, सैंस डैश करके सेरिफ है, वो आगे दिखाऊंगा। तो अभी भी हम यहाँ से करेंगे फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन और टाइम्स और सेरिफ हमने यहाँ दे रखी है, ओके, और क्लास ले रखी है नॉर्मल। तो ये वाला एग्जाम्पल मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा यहाँ से कोड उठा रहा हूँ, क्योंकि समझाने वाली चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसे चेंज करने में इतना टाइम लगेगा। तो यहीं से हम आपको बता देंगे कि क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ से कोड कॉपी किया और हैश टैग के अंदर हमने स्टाइल में कॉपी पेस्ट कर लेंगे गाइस। तो मैंने स्टाइल में पेस्ट कर लिया कोड, आप समझते हैं क्या हुआ है। एक पैराग्राफ लिया है, उसकी क्लास दी सेरिफ, एक के लिए सैंस सेरिफ और एक की दी है मोनो स्पेस। तो मोनो स्पेस वाला सी एस एस नहीं कॉपी हुई, तो हम यहाँ पे आ गए और हमने ये वाली सी एस एस भी गाइस कर ली कॉपी। तो यहाँ पर सेरिफ, सैंस सेरिफ और मोनो स्पेस इन तीनों आ गई हैं। तो फॉन्ट फैमिली में क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी वन वर्ड से ज़्यादा है गाइस, तो आपने देखा था कि फॉन्ट फैमिली हम कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं। और जो हमें जब भी हम फॉन्ट फैमिली देते हैं तो गाइस हम मल्टीपल अगर हमें देते हैं तो हम कॉमा कॉमा लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर ब्राउजर येली सपोर्ट करेगा तो ये देगा फॉन्ट फैमिली, फिर उसके बाद हमने टाइम और कॉमा करके सेरिफ दिया है। तो सेरिफ क्या है कि एंड वाली क्या आ जाएगा, जेनरिक फैमिली। तो अगर कोई सी नहीं मिली तो ये लेगा, और ये नहीं तो इसके सिमिलर मिलने वाले। तो वो चीज़ क्लियर हो गई, फॉन्ट फैमिली सबसे पहले क्या लेगा, ए लेगा, फिर वो नहीं मिली तो हेल्पेटी का, नहीं तो सैंस सेरिफ। आपको पता है सबसे एंड में कौन सा मिलता है, जेनरिक फैमिली है, जैसे लुइस एरिया कंसोल और कॉरियर और कॉरियर और एम एम स्पेस। तो काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, आप देख सकते हो डब्ल्यू सी स्कूल पे काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पैराग्राफ लिया, आपकी क्लास ले ली तीन नॉर्मल क्लास, सेरिफ, सैंस सेरिफ और मोनोस्पेस। आपको पता ही है क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते हैं, तो सेरिफ ले लिया और नॉर्मल क्या है फॉन्ट डैश फैमिली करके लिखते हैं, उसका सिंटैक्स फॉन्ट फैमिली है उसकी प्रॉपर्टी। तो ऐसे करके लिखते हैं, जरूरी नहीं आप ये तीन पैराग्राफ लिखें, आप क्या कीजिए, आप इसे हटा लीजिए, ठीक है, आप गाइज इसे हटा लीजिए और आपने
सबसे ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, बस सैलरी वाले को। अभी भी आपका काम चल जाएगा, तो अभी मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को। उससे पहले तो डबल ईमेल class7.html नाम से करते हैं, डबल कोट्स में दे तो जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, कि HTML एक्सटेंशन के थ्रू थ्रू सेव करो, अपने डबल कोट्स में दे देना। तो मैं रन किया ब्राउजर पे, तो भाई जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज ए पैराग्राफ शोन इन द टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। तो हमने टाइम्स न्यू रोमन में गाइस दिखा दिया। ओके, तो हम आते हैं अपने कोड में। तो ये चीज़ तो हमने समझ ली कि फॉन्ट फैमिली हम किस बेस पे दे सकते हैं गाइस। एक और चीज़ हम स्पेसिफाई कर दे सकते हैं, इम्पैक्ट फॉन्ट फॉर ए पैराग्राफ, किसी भी मतलब पैराग्राफ के लिए इम्पैक्ट फॉन्ट। तो ये क्या है, एक बार वहाँ पे देख लेते हैं डब्ल्यू सी स्कूल पे। आपको पहले लुक दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या आने वाला है। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट भी था पहले कि इस फॉन्ट फैमिली से पहले ऑन कंप्यूटर स्क्रीन सेंस सेरिफ फॉन्ट्स आर कंसिडर्ड इजियर टू बी रीड देन सेरिफ फॉन्ट। तो सेरिफ ये है साइड में कौन कौन सा है, सेंस सेरिफ सिंपल है, तो सेंस सेरिफ ज़्यादा अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके गाइज, तो ये चीज़ भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो हमने फॉन्ट फैमिली वाला प्रॉपर्टी देख ली। अब देखो स्पेसिफाई द इम्पैक्ट फॉन्ट फॉर ए पैराग्राफ। तो अगर मैंने ट्राई इट योरसेल्फ क्लिक किया, तो इन्होंने क्या किया है, एक पैराग्राफ लिया उसका क्लास दी इम्पैक्ट, और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में क्या दी इम्पैक्ट, फिर चार कॉल अगर उसकी वाली अप्लाई नहीं हुई एंड में सेंस सेरिफ। एंड में आपको पता है जेनरिक फैमिली हम देते हैं, तो फिर वाली अप्लाई हो जाए। अगर आप यहाँ पे लिख दो गाइज, सो गाइज अगर आप यहाँ पे लिख दो इम्पैक्ट की जगह टाइम्स न्यू रोमन, तो साइड में देखना लुक कैसे चेंज हो जाएगा, फॉन्ट फैमिली आप चेंज कर दोगे ना उस पैराग्राफ की, तो देखो चेंज हो गया। सो इस बेस पे गाइज आप ये चीज कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर फॉन्ट साइज देखिए, इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, वो मैं भी नहीं बढ़ा रहा, नहीं तो वीडियो लंबी चल जाएगी आगे। और बाकी प्रॉपर्टी आएंगी तो उस चीज़ को गाइज हम समझेंगे जब उसकी बारी आएगी, नहीं तो वीडियो एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी। ओके, तो हमने फॉन्ट फैमिली देख लिया। अब आते हैं गाइस फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी पे, इसे हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। तो द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं स्पेसिफाई करने के लिए इटैलिक टेक्स्ट के लिए। तो नॉर्मली इटैलिक टेक्स्ट के लिए ही हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है 3 वैल्यू नॉर्मल, तो नॉर्मल अगर आप कुछ मत लगाओ तो नॉर्मल ही ठीक है, द टेक्स्ट इज शोन नॉर्मली। इटैलिक लगा दोगे तो क्या होगा कि तिरछा आएगा, आपको पता ही है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, मैंने नॉर्मली लिखा है, सेलेक्ट किया कंट्रोल आई कर दिया, आपको पता ही इटैलिक आता है। तो इटैलिक हम अगर अपने वेब पेज पे देना हो तो हम आई टैग यूज करते हैं, एचटीएमएल में आई टैग ओपन आई टैग क्लोज, बोल्ड के लिए बी ओपन बी क्लोज। तो इसमें हम फॉन्ट वेट बोल्ड करते हैं और फॉन्ट स्टाइल इटैलिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे इटैलिक द टेक्स्ट इज शोन इन इटैलिक्स। फिर है थर्ड नंबर पे ऑब्लिक प्रॉपर्टी। तो नॉर्मल इटैलिक और ऑब्लिक, नॉर्मल में कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, इटैलिक में तिरछा हो जाएगा, ऑब्लिक भी तिरछा कर देगा, लेकिन ये जो है डेप्रिसिएट हो चुकी है प्रॉपर्टी, मतलब ये पुरानी है और ये लेस सपोर्टेड है, हर एक ब्राउजर में सपोर्ट नहीं पड़े, तो नॉर्मल में इटैलिक ही यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इटैलिक के लिए ही यूज क्यों कहता है, ऊपर लाइन में लिखा हुआ नॉर्मल तो है ही कुछ नहीं कर रहा, ऑब्लिक लगाओ उसमें भी कोई फायदा नहीं, वो लेस सपोर्टेड है, तो इटैलिक ही नॉर्मली यूज होता है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल में नॉर्मल इटैलिक ऑब्लिक आप दे सकते हो। तो अब आप कर सकते हो, जैसे कि अगर मैंने इस पैराग्राफ को कर दिया गाइस ठीक है H2 ठीक है, जब यहाँ पर रहने इसे नहीं करते हम ठीक है, इसे नहीं करते हम, जो ये H1 है ठीक है, इसे करते हैं हम फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ठीक है। तो H1 आप देखोगे तिरछा आएगा। तो अगर हम लॉन्च करते हैं क्रोम पे, तो गाइस आप देख सकते हो कि ये तिरछा आ रहा है आपके सामने, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हमने किया था, तो ये चीज होती है इससे। तो अगर मैं अभी इटैलिक की जगह कर दूंगा ये जो ऑब्लिक, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा अभी देखना, ये भी सेम चीज कर देगा लेकिन ये लेस सपोर्टेड है, तो ये डिफरेंस होता है। तो देखो अभी भी हो रहा है, यानी वो प्रॉपर्टी गई नहीं है लेकिन किसी के ब्राउजर में चली जाएगी, तो इसलिए बेटर है आप फॉन्ट स्टाइल इटैलिक यूज करो, नॉर्मल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इटैलिक लगा लेंगे अभी हम, तो पहले नॉर्मल लगा के देखा हूँ एक बार। तो अगर मैंने लगा दिया ये नॉर्मल और फिर रन किया, देखो नॉर्मल आ रहा है और फाइनल हमने इटैलिक लगा लिया था अभी। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी गाइस डिलीट कर ली काफ़ी जल्दी। तो फॉन्ट स्टाइल कंप्लीट। अब आ गएगा इस फॉन्ट वेट पे। तो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए फॉन्ट का वेट, यानी कितना वो बोल्ड हो, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।
तो फॉन्ट वेट की गाइस एक प्रॉपर्टी नॉर्मल नॉर्मल और लाइटर यानी हल्का होगा और बोल्ड तो हम डार्क सा होगा। जैसे बी हम लगाते हैं एचटीएमएल में, बी ओपन बी क्लोज बोल्ड है, और या फिर 900 यहाँ पे आप 700 लिख लो, मतलब वो वैल्यू से पिक्सल में नॉर्मल हम देते हैं तो वो कितना मोटा है पतला वो चीज़ के लिए है। नॉर्मल हम ये यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइटर और बोल्ड वगैरह। तो देखो एचटीएमएल और यहाँ पे कोड है पैराग्राफ डॉट नॉर्मल, तो फॉन्ट वेट नॉर्मल ले लिया, पैराग्राफ क्लास लाइट ली, ठीक है नॉर्मल लाइट ठीक थिकर, तो ये जो फॉन्ट वेट 900 है ये इससे भी डार्क होगा बोल्ड से। तो अभी हम क्या करते हैं गाइस, अभी हम इसी वाले कोड को करते हैं कॉपी, ठीक है इसे ही कर लेते हैं कॉपी। तो आप जो अभी तक कोड लिखा था उसे लिख लेना, मैं इसी प्रोग्राम में चेंज कर दे रहा हूँ कि मुझे लग नहीं रहा इतना कॉम्प्लेक्स है या आगे अगर कभी जरूरत पड़ेगी पूछे तो मैं अलग से पेज बनाऊंगा, फिलहाल के लिए उसी में ही कर लेते हैं ठीक है। तो मैंने क्या किया, पैराग्राफ की क्लास ली नॉर्मल लाइट थिक थिकर, फिर क्या किया उन्होंने नॉर्मल पैराग्राफ है तो पी है, पी के अंदर क्या डॉट नॉर्मल क्लास का नाम है, फॉन्ट वेट नॉर्मल दे दिया, बोल्ड लाइटर हमने देखा था, बोल्ड देखा था 900 वैल्यू दे दी थिकर की, तो कुछ नया है ही नहीं। तो अगर हमने लॉन्च कर दिया क्रोम पे, तो अब हम देखते हैं गाइस आउटपुट, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल लाइटर ठीक है, फिर आ रहा है बोल्ड और फिर आ रहा है 900, तो धीरे धीरे गाइस बढ़े जा रहा है ओके। सो गाइस ये होती है प्रॉपर्टी, तो हमने गाइस ये प्रॉपर्टी भी पढ़ ली ओके, नॉर्मल लाइटर और ये सब। अब हम आते हैं गाइस फॉन्ट वेरिएंट पे, लेकिन फॉन्ट वेरिएंट पे आने से पहले मैं एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ कि कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ, नहीं कुछ मिसिंग नहीं हुआ, कुछ मिसिंग नहीं हुआ। अब आते हैं गाइस फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी पे, द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर और नॉट ए टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन ए स्मॉल कैप्स फॉन्ट। तो इस पहले मैं अभी इंग्लिश में बताऊंगा बहुत कम टाइम पे, पहले मैं आपको नॉर्मल हिंदी में समझाता हूँ। अगर आपका नाम है सपोज कीजिए संदीप शर्मा ठीक है, और आपका आपको पता ही है एस कैपिटल आएगा संदीप का और शर्मा का एस कैपिटल आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो ए एन डी ई डबल ई पी वी और एच ए आर एम ई एस के बाद एच ए आर एम ई शर्मा वो सारे कैपिटल आए, स्मॉल बी कैपिटल आए लेटर, लेकिन जो मेन कैपिटल होगा उसको भी तो कोई अलग डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। तो जो नॉर्मल जो कैपिटल होंगे बाद के लेटर फर्स्ट को छोड़ के तो वो आएंगे तो कैपिटल, लेकिन उनकी जो विथ होगी जो हाइट होगी वो मेन वाले से कम होगी जो सबसे पहला लेटर होगा। सो ऐसे टाइम में गाइस हम यूज करते हैं स्मॉल कैप्स फॉन्ट को, तो इन स्मॉल कैप्स फॉन्ट ऑल लोअर केस लेटर्स आर कन्वर्टेड टू अपर केस लेटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। हाउएवर द कन्वर्टेड, अब मेन पॉइंट है जो भी बताया, हाउएवर द कन्वर्टेड अपर केस लेटर्स अपीयर्स इन ए स्मॉलर फॉन्ट साइज, छोटे फॉन्ट साइज में देन द ओरिजिनल अपर केस लेटर्स इन द टेक्स्ट। तो फॉन्ट वेरिएंट में ये प्रॉपर्टी है नॉर्मल और स्मॉल कैप्स, तो नॉर्मल में वो नॉर्मल आएगा और स्मॉल कैप्स हम यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या देखो पैराग्राफ क्लास स्मॉल नॉर्मल है स्मॉल है, तो इन्होंने क्या किया कि वेरिएंट दे दिया नॉर्मल पहले वाले में, तो उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा, और दूसरे वाले में उन्होंने क्या, दूसरे वाले में इन्होंने क्लास दे दी स्मॉल, स्मॉल वाले में इन्होंने फॉन्ट वेरिएंट दे दिया गाइस स्मॉल कैप्स। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माई नेम इज, ये आ रहा था नॉर्मल था जो लिखा हुआ था पूरी वही लाइन आ गया था, देखो ये रहा माई नेम इज, ये तो नॉर्मल है फॉन्ट वेरिएंट तो ये आ रहा है, लेकिन जब हमने फॉन्ट वेरिएंट दिया स्मॉल डैश कैप्स तो क्या हुआ, एम तो कैपिटल है वाई भी कैपिटल होगा लेकिन एम से कम उसकी साइज होगा, और ऐसे ही करिए यहाँ से एन ए एम ये लाइन में ये कैपिटल हो जाएगा, इस भी ई जी ई कैपिटल हो जाएगा लेकिन एच से छोटा साइज रहेगा, ई एफ एस एन एस भी कैपिटल हो जाएगा लेकिन उससे छोटा साइज रहेगा फर्स्ट लेटर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वाई भी कैपिटल हो गया और देखो एन ए एम ई सारे एक बिट के, और देखो इस भी एक बिट का लेकिन एच से छोटे हो, क्योंकि ये पहला लेटर है इसमें इस वाले वर्ड में और इस वाले वर्ड में पहला लेटर है तो उसकी साइज बड़ा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस फॉन्ट वेरिएंट वाली प्रॉपर्टी भी अच्छे से, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें अब इसके लिए भी प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब तो आते हैं गाइस हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी पे, सीरियस के फॉन्ट साइज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो एंड तक जरूर देखना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, मेन चीज़ तो यहाँ से है फॉन्ट साइज पढ़ेंगे, फिर पिक्सल क्या होता है और ई एम क्या होता है ठीक है, और फिर आप गाइस रेस्पॉन्सिव फॉन्ट देना भी सीखोगे आज की इस वीडियो में, और फिर हम फॉन्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में देख लेंगे ये जो सारी प्रॉपर्टी हमने बात की वो कैसे यूज़ कर सकते हैं ओके। तो हम आते हैं सीरियस के फॉन्ट साइज पे,
फॉन्ट साइज की हेल्प से गाइस हम टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को, अब देखो ऊपर ध्यान से देखो दिखाता हूँ, ऊपर क्या आ रहा है, 14 है साइज। अब देखना 16 हो गया, 18 हो गया। तो अगर फॉन्ट साइज को बढ़ाना हो घटाना हो तो हम यूज करते हैं गाइस फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। ओके, तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट का साइज बढ़ाने या घटाने के लिए। बीइंग एबल टू मैनेज द टेक्स्ट साइज इज इंपॉर्टेंट इन वेब डिजाइन। टेक्स्ट साइज को मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है वेब डिजाइन में। क्यों? नॉर्मल तो कोई भी कंटेनर को इधर कर देगा या रेस्पॉन्सिव कर देगा, लेकिन जब फॉन्ट साइज होता है, कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, उसे इधर भी करना पड़ता है, वो हर एक लाइन में इक्वल स्पेस ले मोबाइल में, तो काफी थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है फॉन्ट को हैंडल करना। बीइंग एबल टू मैनेज द टेक्स्ट साइज इज इंपॉर्टेंट इन वेब डिजाइन। हाउएवर यू शुड नॉट यूज फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट टू मेक पैराग्राफ लुक लाइक हेडिंग और हेडिंग लुक लाइक पैराग्राफ। यानी ऐसा नहीं हो कि आप पैराग्राफ या हेडिंग आपको कुछ लेनी है H1 H2 H3, तो आप क्या कर रहे हो, आप नॉर्मल फोन कोई भी ले रहे हो और फोन साइज बढ़ा दे रहे हो और आप बोल्ड कर दे रहे हो, ऐसे मत बनाना। अगर नॉर्मल आपके पास उसके लिए कोई टैग है, जैसे हेडिंग या पैराग्राफ के लिए टैग्स है, तो उनकी हेल्प से ही बनाएगा। इस फोन साइज वैल्यू एब्सोल्यूट भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट क्या है, सेट द टेक्स्ट टू ए स्पेसिफाइड साइज, एक फिक्स साइज पर हम कर देंगे, और डोंट अलाउ द यूजर, डज नॉट अलाउ द यूजर टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन ऑल ब्राउजर, तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये फ्री होती है, ऊपर वाले से या बाहर वाले से इसका कोई मतलब नहीं होता, आगे पास चलेगी आपको। एब्सोल्यूट साइज यूजफुल व्हेन फिजिकल साइज, अगर हमें पता हो आउटपुट का ये चाहिए तो हम उसी साइज को दे देंगे। ओके, तो ऐसे टाइम हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट साइज। तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव साइज में क्या डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट में भी। नॉर्मल मैंने आगे भी आएगा डिस्प्ले में और बाकी जगह बहुत सी जगह आएगा, तो हम उस टाइम बात करेंगे, सॉरी डिस्प्ले में पोजिशन वोजिशन में हम बात करेंगे, तो उस टाइम पर आपको सही से आएगा, तो उसी टाइम हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि पोजिशन रिलेटिव क्या होगी। यहाँ पर साइज की नॉर्मल बात होगी, तो रिलेटिव एक तरह से देखो हम क्या लिखा है, सेट द साइज रिलेटिव टू सराउंडिंग एलिमेंट्स। तो साइज जो है जो चारों के एलिमेंट्स हैं उसके बेस पे उसका उसका साइज सेट होगा। अलाउ यूजर टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन ब्राउजर, तो उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इसमें कि एब्सोल्यूट क्या इधर ले जाओ, रिलेटिव क्या जो उसके ऊपर वाला है, जो उसके बाहर वाला है, मतलब आउट सराउंडिंग वाला है, चारों वाला, उसके बेस पे उसके उस पर प्रॉपर्टी वगैरह हम लगाते हैं। तो अभी इसमें इतने डिटेल में मत जाइए, अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी उस टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो नोट क्या है यहाँ पे, अगर हम कोई भी फॉन्ट साइज स्पेसिफाई नहीं करते, डिफाइन नहीं करते, तो क्या होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है गाइस नॉर्मल टेक्स्ट, और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए या पैराग्राफ के लिए भी डिफॉल्ट साइज होता है गाइस 16 पिक्सल। तो ये आपको याद रखना है, और 16 पिक्सल को हम 1 EMB कह सकते हैं। और अब आप चाहें तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, क्या सर्च करेंगे आप गाइस, नेट पर सर्च करेंगे, गूगल ओपन करेंगे, तो आपको ये चीज़ जब जो चीज़ मैं नहीं कहता उसको वो नहीं आपको नहीं करनी, आपको खुद देखना कोई कोई चीज़, व्हाट इज EM वर्सेस, ठीक है, पिक्सल, तो आप ये लिख लो, पिक्सल इज ए स्टेट मेजरमेंट व्हाइल EM आर रिलेटिव मेजरमेंट, ठीक है। द साइज ऑफ एन EM और परसेंट डिपेंड्स ऑन इट्स पेरेंट, EM में ऊपर वाले पर डिपेंड करता है पेरेंट्स पे। इफ द टेक्स्ट साइज ऑफ बॉडी 16 पिक्सल, देन 150% और 1.5 EM विल बी 24 पिक्सल्स। तो ये किस बेस पूरा वो आपको बताता हूँ, ये क्या 16 पिक्सल, तो 16 और यहाँ पे 150%, तो उसको वो 1.5 आ जाएगा ना, अगर हम निकालेंगे परसेंटेज पूरी विथ के बेस पे, तो 1.5 आ गया, 1.5 EM। अब 1 EM में होता 16 पिक्सल, तो अभी आपने पीछे लेके जाता, तो 1.5 में 16 से मल्टीप्लाई करोगे 24 पिक्सल ही आएगा। तो कुल मिला ये होता है कि EM जो है वो रिलेटिव बेस पे लेता है और ऊपर के बेस पे भी लेता है उसके पेरेंट के बेस पे, जबकि पिक्सल आप नॉर्मल देते हो, तो इसीलिए कैसे आप इसे यूज़ करते हो। बहुत सी जगह आप देखोगे डिजाइनर EM ही यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, अगर कोई मेनू मेनू है और बाकी चीज़ लगी हुई है, अप्लाई हो रही है, तो वहाँ की मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं भी करते, तो नॉर्मली आप देखोगे कि EM या RM मतलब बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं डिजाइन। तो ये चीज़ है इसके बारे में EM, और तो एक EM में 16 पिक्सल होती है, याद रखना है। सेट फोन साइज विथ पिक्सल्स, सेटिंग द फोन साइज विथ पिक्सल हमें पूरा कंट्रोल देता है टेक्स्ट साइज के ऊपर कि हम टेक्स्ट साइज क्या करना चाहते हैं गाइस। तो इसके लिए इन्होंने नॉर्मल क्या कर रखा, फॉन्ट साइज एक में 40 दे रखा, एक में 30 और 14, ठीक है, तो ये हम भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैं बिल्कुल सेम लगा रहा हूँ, लगाऊंगा प्रॉपर्टी, आप कहेंगे क्यों, तो बिल्कुल कॉपी मार रहे हो, जी हाँ हम बिल्कुल कॉपी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं वो भी सुनो, आगे एक और प्रॉपर्टी आएगी और उसमें भी EM, उसमें EM यूज होगा, इसमें पिक्सल यूज होंगे,
तो आपको अच्छे से एग्जांपल समझा पाऊंगा, नहीं तो मतलब मैं अलग अलग लगाऊंगा साइज वाइज तो समझने में दिक्कत होगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने कर दिया H1, यहाँ कर दिया H2, ठीक है। यहाँ से हम हटा लेंगे इस पैराग्राफ को, तो हमने यहाँ से हटा लिया ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। और हम इस ऊपर वाले को भी डालेंगे, ठीक है। तो हम कर लेंगे यहाँ पे H1, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे H2, और यहाँ पे कर लेंगे हम पैरा ग्राफ, ठीक है। तो अब आते हैं हम, तो क्या साइज हमने लिया था वहाँ पे, तो हम यहाँ पे आते हैं गाइस 40, 30 और 14 पिक्सल, है ना। तो सिंपल है ये, दूसरे में मैं एक प्रॉपर्टी दिखाऊंगा आपको। 14, तो हमने 14 पिक्सल कर दी, और हमने कर दी गाइस 13 पिक्सल, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया गाइस, हमने कर दिया 14 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं फॉन्ट साइज, तो वो लगा कैसे देगा। फॉन्ट डैश साइज का जब साइज देते हो नॉर्मल, अब एचटीएमएल में देते हो फॉन्ट टैग ओपन क्लोज, और उसके अंदर ही फॉन्ट जहाँ ओपन है उसके साथ ही साइज इक्वल टू 13 पिक्सल, या जो भी देते थे तो उसमें वैसे देते थे, इसमें ऐसे देते हैं सीएसएस में। यहाँ पर आता है सेलेक्टर्स, और फिर अंदर एडिट से डिक्लेरेशन बोलते हैं, उसके अंदर ये आती है सीएसएस की प्रॉपर्टी, यहाँ आती है कॉलन के बाद वैल्यू। तो H1 H2 पैराग्राफ हमें लगा दी, जहाँ H1 H2 है यहाँ पैराग्राफ है, तो इस पर क्लास लगाने का कोई मतलब भी बनता नहीं है, क्योंकि ऐसे भी अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे ही कर लो। तो गाइस अगर मैं रन करता हूँ ब्राउजर पे, तो 40, 30 और 14 पिक्सल का साइज आपको दिख जाएगा। तो ऐसे क्या देख सकते हो, 40, 30 और 14 पिक्सल का ये साइज हमें दिख रहा है। ओके, तो अगर हम साइज देखो, जूम कर रहा हूँ मैं, जूम टूल से देखो ये भी जूम हो रहा है, कम कर रहा हूँ कंट्रोल माइनस, कम हो रहा है, ये है ओरिजिनल, है ना। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो हमने ये सब चीजें अप्लाई कर ली 40। तो इफ यू यूज पिक्सल्स यू कैन स्टिल यूज द जूम टूल टू रिसाइज द एंटायर पेज। तो हम एंटायर पेज को गाइज हम कर सकते हैं रिसाइज, सेट द फॉन्ट साइज विद ईएम। अब हम करेंगे गाइज ईएम की हेल्प से फॉन्ट साइज को सेट, ठीक है। टू अलाउ यूजर्स टू रिसाइज द टेक्स्ट इन ब्राउजर के मेन्यू में, तो हम मैनी डेवलपर्स या डिजाइनर हम कह सकते हो यूज ईएम। तो ईएम क्या है, इसके आप नेट पर सर्च कर सकते हो, जो चीज अगर लगता है ना डाउट तो रुकना नहीं है हमें, जस्ट जाके सर्च करना। तो मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ कि आपको वैसे कैसे करना। आपको लिखना है व्हाट इज ईएम फुल फॉर्म इन सीएसएस, जो चीज नहीं पता जाती सर्च मारना, हमने सारी चीज तो किसी को पता होती है। इट मीन्स एम्फर्मेरल यूनिट विच इज रिलेटेड टू द करेंट फॉन्ट साइज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द करेंट फॉन्ट साइज वॉज सेट टू 16 पिक्सल, देन बॉटम पैडिंग वुड बी सेट टू 160 पिक्सल। सो गाइस आई होप आपने देख लिया कि फुल फॉर्म क्या होता है, कि एम्फर्मेरल यूनिट तो पता होना चाहिए गाइस। ओके, तो हमने फॉन्ट साइज ये सब चीज अप्लाई कर ली। अब करेंगे गाइस फॉन्ट साइज को ई एम के थ्रू, एम्फर साइज, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम, एम्फर्मेरल यूनिट के, एम्फर्मेरल यूनिट के बेस पे। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। तो ई एम साइज यूनिट जो है ये रिकमेंड करी करी गई वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की तरफ से, W3C की तरफ से। एक ई एम इक्वल होता है करेंट फॉन्ट साइज के, और जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है गाइस ब्राउजर में वो होता है 16 पिक्सल। सो डिफॉल्ट साइज ऑफ 1 ई एम, तो बताया ना एक ई एम 16 पिक्सल होता है, तो 1 ई एम का क्या होगा डिफॉल्ट साइज 16 पिक्सल। अगर कोई कहीं भी लिखा होता है सीरीज में, किसी डिजाइन में लिखा है 1 ई एम फॉन्ट साइज या 3 ए एम, 3 ई एम, इसका मतलब है उसकी 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 की 16 में करोगे क्या आएगा गाइस, 48। तो इस बेस पे गाइस आप वो चीज जान सकते हो। द साइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पिक्सल्स टू ई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्या कि पिक्सल्स को 16 से डिवाइड कर दो तो ई एम आ जाएगा, या फिर मैं आपको सिंपल बताता हूँ इससे ईजी, ऐसे डिवाइड करने से कंफ्यूज आते लोग। सिंपल सा देखो, अगर आपने कहीं पर 2 ई एम लिखा है, ठीक है, अगर आपने गाइस कहीं पे 2 ई एम लिखा है, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 ई एम में 16 पिक्सल होते हैं, 2 इंटू 16 32, यानी 32 पिक्सल। लेकिन हमने वाले प्रोग्राम में यूज किया था पिक्सल, तो इसमें भी पिक्सल्स यूज करेंगे, लेकिन पिक्सल्स को ऐसे ई एम यूज करेंगे, तो ऐसे टाइम पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो
हमने 40, 30 और 14 पिक्सल दिया था गाइस आपके सामने। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, अभी हम आएंगे कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो हम आएंगे कैलकुलेटर पे। तो हमने खोल लिया गाइस कैलकुलेटर। तो मैं क्या करूँगा, 40, ठीक है 40 था, डिवाइड बाय 16, डिवाइड बाय 16 क्यों, हम निकाल रहे हैं गाइस ई एम कितने आए। तो 40 को मैंने डिवाइड करा 16 से, 2.5 ई एम। 2.5 की आप मल्टीप्लाई कर दो गाइस किसमें, 16 में आ गया 40 पिक्सल। तो इस पर आपको निकालना है। तो इन्होंने भी अभी इस एग्जांपल पर गाइस क्या किया है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने यहाँ लिया है 2.5 ई एम, यानी कि 40 पिक्सल जो ऊपर वाला था उसकी 16 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक ई एम 16 पिक्सल होते हैं। तो ई एम निकल गया था 2.5 ई एम दिया, और यहाँ पे 1.5875 निकल गया है, यहाँ पे 0.875 निकल गया है ई एम में। सो इस बेस पे गाइस ये चीज़ चलती है। तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, लॉजिक बता दिया। तो जल्दी से मैं यहाँ पे जाता हूँ और फोन साइज कर देता हूँ गाइस मैं, ठीक है ई एम 2.5 ई एम कर दिया गाइस मैंने। और अब जाते हैं हम नीचे, और यहाँ से हम ले लेते हैं 1.875। ओके, फिर आते हैं प्रोग्राम में, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। और फिर हम आते हैं गाइस यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं 0.875 ई एम। तो अब अगर गाइस मैं करता हूँ रन लॉन्च इन क्रोम, तो देख सकते हो अभी भी वो चीज़ आपके सामने आ रही है। तो अगर मैंने कंट्रोल प्लस करता हूँ तो जूम हो रहा है पेज, है ना। तो ई एम भी हम यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल हम पिक्सल यूज करते हैं। तो ये चीज़ हम देख ली, अब हम आगे आते हैं गाइस अपने अगले टॉपिक पे। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफाइंग द फॉन्ट साइज इन ई एम अलाउ करता है सारे ब्राउजर्स को कि वो टेक्स्ट को रिसाइज कर दे, इट बिकम्स लार्जर या स्मॉलर देन इट शुड। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि ओल्डर वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर में, कि जब रिसाइज करते हैं टेक्स्ट को, छोटा या बड़ा करते हैं, तो जो लार्जर, इट बिकम्स लार्जर या स्मॉलर देन इट शुड, यानी अगर लार्जर वाला जितना साइज था उससे बड़ा या छोटा दिखता है, जितना उसका साइज था उससे भी छोटा दिखता है, तो प्रॉब्लम आती है। सो नोट क्या है, इन द एग्जाम्पल अबव द टेक्स्ट साइज इन ई एम इज द सेम एज द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो हमने पिक्सल में दिया साइज तो सेम ही है। हाउ एवर विद ई एम साइज इट इज पॉसिबल टू एडजस्ट द टेक्स्ट साइज इन ऑल ब्राउजर, सारे ब्राउजर में हम जो टेक्स्ट साइज है वो सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली अभी भी प्रॉब्लम है, जो ओल्डर वर्जन हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के, उसमें टेक्स्ट जो है वो कभी कभी बड़ा बन हो जाता है जिस जितना हम चाहते हैं उससे, और कभी कभी छोटा हो जाता है जितना हम करते हैं उससे भी। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंट और ई एम। तो सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन वर्क करता है सारे ब्राउजर्स पे, ठीक है। टू सेट द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन परसेंट फॉर बॉडी एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बॉडी ले, बॉडी है वेब पेज की, उसको फॉन्ट साइज देते हैं 100% व्यू फोटो का उसके बेस पे, और यहाँ पे हमने नॉर्मल हेडिंग और पैराग्राफ चल रहे हैं चल ही रहे हैं। तो इस टाइम क्या होगा, स्पेसिफाइंग द फॉन्ट साइज इन परसेंट एंड ई एम डिस्प्ले द सेम साइज इन ऑल मीडियर ब्राउजर्स एंड अलाउज ऑल ब्राउजर्स टू रिसाइज द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट अपने आप रिसाइज होगा साइज विंडो का साइज चेंज होने पे। तो हमारा कोड इस टाइम पे गाइस बिल्कुल ठीक वर्क करेगा, और जूम भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यही वाली चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा चेंज किया नहीं है, जस्ट बॉडी में फॉन्ट साइज 100% हमें कर लेना है। तो मैंने क्या किया गाइस, मैंने यहाँ बॉडी सेलेक्ट की, ठीक है, यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट की, और बॉडी में लिख दिया हमने फॉन्ट साइज 100%, ठीक है। तो यानी ये 100% हो जाएगा। तो अब देखना, ये तो ठीक है, अभी देखना, इस ब्राउजर में तो ये है। अब अगर मैं इसे खोलता हूँ लॉन्च इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी देखना
साइज चेंज नहीं होगा, छोटा या बड़ा नहीं होगा, छोटा अगर कुछ करूंगा। इसमें उन्होंने क्या किया, जो फोन साइज है तो कर दिया 100%, 100% देगा कंप्लीट, और जो वो है जो साइज है वो नीचे दे रखा है पिक्सल में जितने में, इसमें भी देखो। अब मैंने किया रिसाइज तो देखो, अब देखो ये वाला एडजस्ट हुआ है गाइस। ओके, ऊपर देखो वो 100%, देखो कोई चीज नहीं हुआ, देख रहे हो, देखो अब हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि एडजस्ट वो हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से किसी भी ब्राउजर, अलग अलग ब्राउजर में भी वो सही चल रहा था, हमने इंटरनेट एक्सप्लोर भी चला के देख लिया। इफ यू यूज पिक्सल्स यू कैन स्टिल यूज, तो ये चीज़ तो हम देख चुके हैं। तो हमने फोन साइज ई एम का देख लिया और परसेंटेज वाली चीज़ देख ली, और हम आते हैं रेस्पॉन्सिव फोन साइज पे। तो इसके बाद हमारे बहुत छोटे टॉपिक बचे हैं, फॉन्ट्स गूगल और फॉन्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो बहुत कम लाइन में हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे से क्वेश्चन भी हुआ था। अगर आप चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ITNSCoreFullNSCoreKnowledge इंस्टाग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो और मैसेज भेज दो कि मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ ग्रुप में, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वही चीज़ की मैं वीडियो अपने ले आऊंगा। तो रेस्पॉन्सिव फोन साइज अब हम देखते हैं। तो रेस्पॉन्सिव क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से ब्राउजर की साइज कर दूँ कम, तो अभी ये लैपटॉप पे है, तो अगर मैं कम करूँगा टैबलेट के हिसाब से, वो फोन साइज पूरा कंटेनर अपने आप एडजस्ट हो रहा है। अब अगर मैं और करूँगा तो मोबाइल के हिसाब से हो रहा है। तो यही से हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव, कि जो डिवाइस है उसकी विड्थ कितनी भी हम चेंज करते रहो, तो फोन जो अंदर की या जो कंटेनर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए, उस डिवाइस के हिसाब से ठीक से दिखने लगे। तो ये चीज़ हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इस टाइम टेक्स्ट पे। तो हमने यहाँ क्या लिखा, टॉपिक क्या है कि आप रेस्पॉन्सिव फोन साइज कैसे यूज कर सकते हो। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद ए VW यूनिट, तो VW की फॉर्म होती है गाइस व्यू पोर्ट विड्थ। तो द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद ए VW यूनिट, ओके, विच मीन्स द व्यू पोर्ट विड्थ। द वे टेक्स्ट साइज फॉलो द साइज ऑफ द ब्राउजर विल फॉलो द साइज ऑफ द ब्राउजर विंडो, यानी व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब ये है, जो भी ब्राउजर की विंडो का साइज होगा, यानी अगर आप फोन में चलाओगे तो उस बेस पे आपका फोन साइज डिस्प्ले होगा, उसकी कंप्लीट जो अपने VW से पहले वैल्यू जो होगी वो उतना परसेंट आएगा, टोटल विड्थ का जो भी जो कि उस ब्राउजर की टोटल विड्थ होगी उसका उतना परसेंट आएगा, और रेस्पॉन्सिव रहेगा। मोबाइल में तो मोबाइल के छोटा दिखेगा, अगर थोड़ा साइज बड़ा होगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस बेस पे वो चीज़ें चलती हैं। तो अभी हम कोड देखेंगे तो उसमें गाइस हम ढंग से समझेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गाइस इसका कोड ही ले लेते हैं, फिर हमारे बहुत छोटे से टॉपिक बचे हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी देख लेंगे। तो मैंने यहाँ से कोड कर लूँगा कॉपी, तो ज़्यादा कुछ है ना बचा नहीं है हमारा। तो हमने गए गाइस अपने प्रोग्राम में HTML में, ठीक, तो हमने कर लिया Ctrl V। अब देखो इन्होंने क्या किया है, HTML लिया है टैग के अंदर इन्होंने क्या लिया है, मेटा टैग लिया है, व्यू नेम दे रखा है, व्यू पोर्ट विड्थ दे रखा है, डिवाइस विड्थ यानी जो भी डिवाइस की विड्थ उसके बेस पर हो जाएगा, और इनिशियल स्केल दे रखा है 1.0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइस, थोड़ा सा लाइन ब्रेक कर देता हूँ, थोड़ा सा अगली लाइन में देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे कि क्या लिखा हुआ है, अभी आपको समझ में आएगा ढंग से कि क्या चीज़ चल रही है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कहा, हमने H1 लिया है और उसका फोन साइज कर लिया है 10 VW, VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, यानी अगर मान लो 500 है पिक्सल है विड्थ डिवाइस की या ब्राउजर की विड्थ, तो 500 का 10% क्या आएगा, 500 × 10/100, मतलब परसेंटेज अभी निकलेगा। देखो अभी का तो अगर मैंने विंडो आर किया कैलकुलेटर में आ गया, तो देखो 10 है तो 10% किसका निकालना है वो चीज़ देखेंगे हम। तो हमने ये क्या 10 किया, और 10 की हमें मल्टीप्लाई करनी है गाइज, हमें 500 अगर विथ है 500, ठीक है ये इतना हो गया, और अपॉन में करेंगे हम 100 है, ठीक है कितना आ गया, ये आ गया। ओके गाइस, तो उस बेस पे वो चीज चलती है, अभी दिखाऊंगा। तो 10 क्या है, अगर आप किसी सपोज कीजिए वो है टोटल है 10%, तो 10/100, तो उस बेस पे वो चीज चलती है कि 1 आएगा क्या आएगा, तो उस बेस पे वो कौन सा ही डिसाइड होता है। तो अभी मैं कोई हम यहाँ है 10 व्यू पोर्ट, यहाँ है 5 और एंड में 5, सुबह से पहले 10 फिर है 5 फिर है 5 व्यू पोर्ट विथ। तो मैंने अब लॉन्च किया क्रोम पे, सो अब देखो ये रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट लिखा है, ये हमने फोन का साइज दिया गया, सबसे पहले हमने
टेन, ठीक है, टेन व्यूपोर्ट की विड्थ के बेस पे, फिर दिया है फाइव और फिर दिया है फाइव, तो टेन फिर फाइव और फिर नीचे भी फाइव। देखो, यूज द VW यूनिट व्हेन डिसाइडिंग द टेक्स्ट, टेन विल सेट द साइज टू 10% ऑफ द व्यूपोर्ट विड्थ, तो जो टोटल विड्थ होगी, ठीक है, उसका व्यूपोर्ट की विड्थ टोटल विंडो का सपोज कीजिए अगर 100,000 है तो उसका 10% गाइस, तो उसमें वो चीज चलती है। तो देखो अगर मैंने साइज देखो ये कम किया, अब ध्यान से देखना, अब देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखो देख रहे हो साइज भी बढ़ रहा है गाइस, ये देखो बढ़ रहा है ना। देखो अगर मैं कम करता हूँ साइज, ये देखो एडजस्ट हो रहा है। तो ये होता है गाइस रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट, जस्ट क्या है जितना परसेंट करोगे उतना परसेंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कर दूं गाइस ये सारे हटा दूं, सिंपल से पे आपको दिखा दूं, तो होगा क्या गाइस, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 10 की जगह सपोज कीजिए 5%, तो ये फोन साइज कितना गिरेगा, 5% ऑफ टोटल विथ, तो देखो ना आ रहा है। अब अगर मैं रिसाइज करूंगा, देखना देखो इतना है, ठीक है, तो अब अगर मैं कम करता हूँ देखना अपने सामने, ये देखो एडजस्ट हो रहा है ना डिवाइस के साथ, देखो साइज कम हो रहा है, तो इस बीच पे कहीं वो चीज चलती है क्यों, ब्राउजर की विथ के बीच पे रहा व्यू पोर्ट। अब हम आते हैं गाइस फॉन्ट्स पे, गूगल में गूगल के फॉन्ट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम जो भी नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉन्ट हैं वो यूज़ नहीं करना चाहते, वो उससे हम बोर हो चुके हैं, सो गाइस हम गूगल के फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं API के थ्रू, तो जहाँ से हमें बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं जो कि फ्री में मिल जाते हैं, जिसे हम अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करता हूँ, इन्होंने नॉर्मल क्या किया है, ये एक लिंक है, रिलेशन स्टाइल दे रखा है HREF, ये एड्रेस दे रखा है गूगल का ही फॉन्ट्स का, गूगल फॉन्ट्स का, एक फैमिली दे रखी है सोफिया। तो पहले मैं इसे पूरे को कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, अभी सब कुछ दिखाऊंगा, चिंता ना कीजिए, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। तो देखो इन्होंने क्या किया, रन किया, अब देखो ये फॉन्ट आ गया आपके सामने, ठीक है। अब देखो इन्होंने इस प्रोग्राम में क्या किया, फॉन्ट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है स्टाइल सीट का, HREF में क्या रहा है एड्रेस फॉन्ट्स का, गूगल फॉन्ट्स का, और यहाँ पे सीएसएस में यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में फैमिली पास हो रही है सोफिया, तो जौन सी फैमिली यहाँ धोके उसका आउटपुट दिख जाएगा अगर वो गूगल के उसमें अवेलेबल होगी। ओके, इन्होंने बॉडी का फॉन्ट फैमिली दिया, तो ये फॉन्ट फैमिली कैसे आती है ये मैं भी आपको दिखाऊंगा, गूगल के फॉन्ट्स कैसे लगाते हो। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ इस फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ इस वाली लाइन को, ठीक है, और इतना ही रहने देते हैं। तो अभी हम जाते हैं गाइज सर्च करते हैं, हम गूगल पे आते हैं, ठीक है, हम आते हैं गाइज गूगल पे, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पर गूगल फॉन्ट, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइज आपको कितने सारे फॉन्ट्स मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, ये देखो ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, और देखो नीचे चलते रहेंगे फॉन्ट, देखो कितने सारे अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं। तो ये देखो जैसे यहाँ पर रोबोट हुआ है, अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो 12 स्टाइल्स हैं इसके, ठीक है, तो यहाँ से क्या है फॉन्ट की प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ स्टाइल, थिकनेस कितनी चाहिए, अभी तो पहले तो उसका भी इंटरफेस बहुत अलग था, अगर आपको विथ बढ़ानी है तो देखो कि विथ कितनी बढ़ेगी, ठीक है, तो आप वहाँ से वो चीज़ कर सकते हो, कैटेगरी में आप जा सकते हो, देखो सेरिफ सेंस सेरिफ जो अभी हमने आपको दिखाया था, सो ओनली वेरिएबल पे अगर इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कितने फैमिली के, तो देखो यहाँ पे ओसवाल्ड आ रहा है और यहाँ पे ये सब आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं भाई, ये देखो यहाँ पे साइज, अगर मैं इस साइज़ को करता हूँ भाई कम, देख रहे हो नीचे कम हो रहा साइज़, तो ये यहाँ से आप साइज़ कंट्रोल कर सकते हो, पहले इसका इंटरफेस थोड़ा अलग था बट छोड़ो, ये वाला जैसा मुझे चाहिए, ठीक है, मैंने उस पर क्लिक करे जो उनसे मुझे फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो अगर हमें कोई सा भी गाइज करना हो, सपोज करो मुझे नीचे आता हूँ मैं, मुझे ये वाला सही लगा है ना, तो मैंने सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक कर दिया क्लिक। अब अगर गाइज मैं आता हूँ यहाँ पे एम्बेड पे,
जैसे मैंने एम्बेड पे क्लिक किया तो देखो मुझे एक कोड मिल गया। क्या कोड मिल गया? मुझे एम्बेड पे क्लिक करके ये है लिंक डालना है, तो ये डालेगा गाइस हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल में यहाँ से जूम आउट किया तो देखो यहाँ पे हेड टैग में रहेगा ये लिंक। यहाँ पे देखो वो जोन सा हमने फॉन्ट किया वो खुद आ गया। और नीचे देखो एक और चीज़ दिखा रहा है कि उन्होंने सीएसएस में क्या लिखना है आपको, फॉन्ट फैमिली देनी है ये ओसवाल्ड कॉमा सैन सेरिफ। तो मैंने आपको बताया था शुरू में मेन आती है फॉन्ट फैमिली जो है, और बाद में जेनरिक वाली आती है ताकि कुछ ना हो तो वो वाली अप्लाई हो जाए उससे रिलेटेड। तो हमने यहाँ पे गए और सीएसएस में ये डाल दिया फॉन्ट फैमिली ये सब। ठीक है गाइस, फॉन्ट फैमिली मैंने ये डाल दी स्टाइल वाली। तो हेड के अंदर स्टाइल ओपन स्टाइल भी आता है, हम क्लोज करते हैं। तो ऊपर हेड में हमारे पास वो लिंक हमने ऐड कर लिया, स्टाइल में हमने ये लिख दिया। अभी किस पे लगा रहे हैं हम, H1 पे लगा रहे हैं सपोज कीजिए। ठीक है, तो H1 पे लगाया मैंने, यहाँ मैंने पैराग्राफ को हटा दिया ऐसे ही, मेरा मन नहीं कर रहा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम टू IT फुल नॉलेज। तो अब अगर हम करते हैं गाइज रन लॉन्च इन क्रोम, तो आप देख सकते हो गाइज वेलकम टू IT फुल नॉलेज कितने अच्छे फॉन्ट में आपको दिख रहा है। गाइज ये फ़ायदा होता है गूगल फॉन्ट्स का। तो आप जौन सा चाहो आप वार लगा सकते हो। तो अगर मैं अब बैक करता हूँ तो आपको दोबारा दिखाता हूँ आपको करना कैसे है। जैसे कि मुझे गाइज ये वाला ठीक लगा, ठीक है ये वाला ठीक लगा, इस पर क्लिक कर लिया, बहुत सिंपल दिख रहा हूँ। फिर आप यहाँ साइज़ बढ़ा सकते हो, वो सब चीज़ कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फैमिली को। तो मैंने क्या किया, जौन सा चाहिए वो वाला देखा तो मुझे ये वाला सही लग रहा है, तो मैंने सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही फाइल सेलेक्ट दिस फाइल को क्लिक किया गई सबसे पहले मैंने, और जौन सा भी करना है सेलेक्ट कर लिया। जहाँ पे देखो सेलेक्टेड में ये आ गया, तुमने ये वाली सेलेक्ट की, देखो दो सेलेक्ट कर ली मैंने गलती से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे कंट्रोल सी किया। ठीक है, इसकी जगह ज़्यादा डाल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी होंगे आपको दिख रही होगी फॉन्ट फैमिली अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है पी और लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे हम जाते हैं अगेन, तो यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ये दे रखी है और एक नीचे वाली दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी करेंगे और अपने प्रोग्राम में आएंगे, पैराग्राफ में हम इसे डाल देंगे और ऊपर वाले में वो डला हुआ है ओसवाल्ड कॉमा सैंस सेरिफ। ठीक है, और हम नीचे पैराग्राफ एक ले लेंगे क्योंकि पैराग्राफ पे कोई और लग रही है। तो हम यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो भाई ये हम यूज़ कर रहे हैं गूगल फॉन्ट्स, तो गूगल फॉन्ट काफ़ी यूज़फुल होते हैं। हम नॉर्मली कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसे नॉर्मल ना लिख के अच्छे फॉन्ट में लिखते हैं, तो हम गूगल फॉन्ट्स का इस टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो गाइज वेलकम टू IT फुल नॉलेज, देखो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, आप देख सकते हो फॉन्ट कितना अलग अलग आ रहा है। और अगर आप चाहो यहाँ सब साइज़ चेंज कर सकते हो, तो फॉन्ट साइज़ करते हैं गाइज मैंने सपोज कीजिए 40 पिक्सल। ठीक है, ये देखो गाइस वेलकम टू IT फुल नॉलेज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। सो गाइस आप देख सकते हैं कितने ऑसम आप गूगल फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा हम गाइस और भी चीज़ें कर सकते हैं। सपोज करो आपने देखा ही था 10, फिर क्या था व्यू पोर्ट विथ है ना, तो मैंने 10 व्यू पोर्ट विथ लिया, तो 10% ऑफ व्यू पोर्ट विथ आएगा। तो देखो टोटल जितनी विथ होगी उसका 10% ये घेर रहा है अभी, लेकिन जैसे ही मैं साइज़ कम करूँगा तो आप देखोगे ये जो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज आपको दिख रहा है ये गाइज अपने आप कम होता रहेगा। देख रहे हो व्यू पोर्ट का साइज़ मैं कम कर रहा हूँ और वो टेक्स्ट चेंज हो रहा है क्योंकि वो हमने रेस्पॉन्सिव है गाइज वो फॉन्ट। तो ये इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में गए हम जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। तो हमने पहले वाली प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई कर ली। तो गूगल फॉन्ट्स गाइस हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो बाकी आप लिस्ट के लिए आप गूगल फॉन्ट्स और देख सकते हो। तो हम आते हैं गाइस फॉन्ट के शॉर्ट हैंड पे और फिर हम आज की इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी हमने सारी देख ली, तो अगर हम कोड को छोटा करना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल फॉन्ट प्रॉपर्टी को हम वन प्रॉपर्टी में कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। तो
फॉन्ट प्रॉपर्टी इज ए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर फॉन्ट स्टाइल। तो स्टाइल में हमने देखा था इटैलिक और हमने किस तरह से कहा नॉर्मल या फिर कोई ऑब्लिक था, और फॉन्ट वेरिएंट हमने देखा नॉर्मल और स्मॉल कैप। फॉन्ट वेट हमने देखा था किस तरह से नॉर्मल और लाइटर और बोल्ड और 900 का कैसे हमने कोई जो वैल्यू दी थी, और फॉन्ट वेट हमने देखा था कितनी अच्छे से ओके। और साथ ही साथ हमने फॉन्ट साइज या लाइन हाइट, तो फॉन्ट साइज हमने देखा कि फॉन्ट साइज कैसे दे सकते हो। साथ ही साथ हमने फॉन्ट फैमिली भी देना सीखा। तो यहाँ पे इन्होंने फॉन्ट प्रॉपर्टी लगा रखी है विथ शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन। तो इसे हम देख लेते हैं कि इस वाले एग्जांपल में कहीं इन्होंने क्या किया है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी इन्होंने क्या किया, देखो फॉन्ट स्टाइल, और अभी आपको पीछे दिख रहा था, देखो जरा स्टाइल वेरियंट वेट ETC है ना, स्टाइल वेरियंट वेट फैमिली। तो देखो स्टाइल और वेरियंट वेट और फैमिली और साइज भी होगा, देखो कहीं ना कहीं साइज ये रहा और फिर क्या है फैमिली। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, साइज लगाया, यहाँ पे क्या लगाइए फैमिली, ठीक है। देखो साइज लगाया, यहाँ पे फैमिली लगाइए एरियल, कॉमा लगा के मैंने बताया था मल्टीपल आप फॉन्ट दे सकते हो, तो आपने सेंसरिफ लिख दिया। अब ऐसे ही अगर आपने पैराग्राफ लिया उसकी क्लास बी ली, तो आपने क्या किया यहाँ पे आप ले लिया इटैलिक ओके, आपने यहाँ पर उसका यूज़ कर लिया फॉन्ट स्टाइल, फिर आपने यहाँ पर फॉन्ट वेट यूज़ कर लिया, यहाँ पे आपने फॉन्ट साइज या लाइन हाइट यूज़ कर ली, यहाँ पे आपने कहा फॉन्ट फैमिली यूज़ कर ली, फिर कॉमा लगा के आप मल्टीपल दे सकते हो। तो इन्होंने नॉर्मल एक पैराग्राफ लिया, एक क्लास ए दी, एक क्लास बी दे दी और नॉर्मल सी सीएसएस लगा दी। सो आई गाइस, आई होप आपको आज की इस वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में गाइस हमने फॉन्ट को अच्छे से कवर कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो ताकि वो भी गाइस इजीली जान सके।